الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجه الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرہ سے نسبت ہے ایک دن گھر میں آئے نبی بول کے ذوف طبیعت ہے پاس میرے آؤ زہرا پاس میرے آؤ زہرا تاکہ ملے کچھ دل کو چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بول نبی میری دکھ در لے آؤ یمنی چادر جس کو اوڑ کے لیٹوں میں پائے سکوں قلبِ مستر دیکھ کے والد کی صورت دیکھ کے والد کی صورت دکھی ہوئی ام الحسنین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین رضا جوڑ کے لیٹے نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی تحت کی سایوں لگتا ہے تحت کی سایوں لگتا ہے کرتے ہو جد کو یا میں چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پھر یوں کیا مولا نے کلام نانا آپ میرا سلام
फर्श जमीन पे जाऊं मैं पा जाऊं कुर्बे सिदचैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन आए जमीन पे जिब्राई बोले नबी से फख्र कलील आपे बाद दुरूद सलाम फरमाता है ये रब जलील अहल किसा की मोहब्बत में अहल किसा की मोहब्बत में कलम किए उसने कौदैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन इसके बाद है फरमाता रिज़्क़ो आपस दूर रखा इतना पाक रखा सबको जितना तहारत का हक था अहले बैत की खिलकत पर अहले बैत की खिलकत पर नाजा है रब्बे हरमैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन तब ये हबीब खुदा ने कहा पर जो कोई हदीस किसा जितने वहां होंगे मोमिन सबकी होगी कबूल दुआ इलाही अमीन कसम है मुझे कुरसालत की कसम है मुझे कुरसालत की पाएंगे शिया सकर चैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन सलवात पर मोहम्मद अल्लाह हुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद व अजल फरज खुशनूदी इमाम नकी आवाज़ बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ आए पाक सखी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है वो जो चाहे करके दिखाए इल्म लदूनी के मालिक हो जो मर्जी मौलन की राजी उस पे खालिक रेत उठाए रेत उठाए रेत उठाए सोना बनाए रेत उठाए सोना बनाए ऐसे रब के वली हैं आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है आए मौला नकी है शेरों को जब छोड़ा था के खाए मौलन की को घुटने टेक के शेरों ने भी था ये बताया सभी को
शेर है लेकिन मौला शेर जरी है। आए मौला नकी है, आए मौला नकी है, आए मौला नकी है, आए मौला नकी रख के मुंह में पत्थर मौला कर दे अता जो किसी को चूस के पत्थर आदमी वो ही बांटे इल्म सभी को हैदर बेटे सभी है। आए मौला नकी है, आए मौला नकी है, आए मौला नकी है, आए मौला नकी है। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, घर को सजाओ, खुशियाँ मनाओ, घर को सजाओ, ऐसे पाक सखी है। आए मौला नकी है, आए मौला नकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीयकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सआते व फी कुल्लि सआ वलीयन व हाफिज़न व क़ायदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कत व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबियीन व हबीबी कुलूबना व तबीबी नुफूसना साहिब वक़ार व सकीना المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم كنزان زهرا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته। सबसे पहले माह ज़िलहज की तमाम गुजरी हुई खुशियाँ यानी अक़्द ज़हरा ईद उल अज़हा की मुबारकबादी आप लोगों की खिदमत में पेश करती हूँ। उसके अलावा आने वाली जो ईद है, ईद सईद, ईद अकबर, ईद मौऊद, सुबहानअल्लाह, ईद गदीर की मुबारकबादी और ईद मुबाहला की मुबारकबादी आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। और आप तमाम लोगों की जानिब से, बानी महफिल की जानिब से इन तमाम खुशियों और खुसूसन आज की शब की खुशी की मुबारकबादी इमाम ज़मान अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में पेश कर से परवरदिगार आलम इसे कबूल करे ना, इसलिए क्योंकि हम जैसे गरीबों के पास इन महफिलों के अलावा और क्या है।
हम जैसे गुनाहगारों के पास अहले बैत की विलायत की महफिल और अहले बैत के गम की मजालिस के अलावा अपनी शफाअत के लिए और क्या है। यही वो सरमाया है जो रोज़े क़यामत हमारे लिए बाएसे शफाअत बनेगा इंशाअल्लाह। और परवरदिगार आलम ने जो हमें और आपको हुक्म दिया है ना, कुरान मजीद की एक खूबसूरत आयत सूरह मायदा आयत नंबर 35 जिसको मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा, जिसमें परवरदिगार आलम ने वसीला तलाश करने के लिए कहा है। दरअसल ये वसीला यही विलायत है, यही अहले बैत की ज़ात गिरामी है। देखें खुदा ने कितनी खूबसूरती से बात की। परवरदिगार आलम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, गौर तलब बात यह है कि माबूद हकीकी कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों में इस तरह से खिताब करता है, या अय्युहन्नास ए इंसानों। जब अल्लाह ही कह रहा है ना या अय्युहन्नास, तो यानी वो सारे इंसानों से बात कर रहा है। लेकिन जब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो फिर वो सिर्फ मोमिनों से बात करता है। इस आयत में भी खुदाबंदे करीम ने मोमिनीन को खिताब किया है और मोमिनीन से अहले ईमान से ये कहता हुआ नजर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़वल्लाह, तक़वे इलाही अख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अपने लिए वसीला तलाश करो। सही, ये नहीं कहा कि वसीला पैदा करो, हाँ वसीला बनाओ नहीं कहा। खुदा कह रहा है वसीला तलाश करो। जब अल्लाह ने कह दिया तलाश करो, इसका मतलब यह है कि वसीला पहले से मौजूद है। किस चीज़ का वसीला? अल्लाह तक पहुंचने का वसीला, हमारी हिदायत का वसीला, हमारी कामयाबी का वसीला अल्लाह ने पहले से बना रखा है। वसीला मौजूद है, सिर्फ हमें और आपको तलाश करना है। और वो वसीले ऐसे हैं कि जिसको अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए पहले बनाया, हमें बाद में बनाया। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हज़रत आदम बाद में पहले आए और इंसान बाद में आया? कोई नहीं कर सकता। सही है, ज़मीन पर कोई न था, हिदायत लेने वाला कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हादी और रहनुमा हज़रत आदम को बनाकर ज़मीन पर भेजा। और खुदा ये बताना चाह रहा है कि हमने पहले से हादी मुकर्रर कर रखे हैं, हमने पहले से हिदायत देने वाले को बना रखा है। फ़क़त तुम्हें ये करना है कि तुम्हें तलाश करना है, तुम्हें ढूंढना है कि वो हादी, वो रहनुमा, वो रहबर तुम्हारा कौन है। परवरदिगार उसके बाद हमसे और आपसे ख़िताब करता है कि जब तुम अपने लिए वसीला तलाश कर लो ना, तो फिर वह जाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में, उसके रास्ते में तुम्हें जिहाद करना है। और जब तुम ये तीन काम कर लोगे, ईमान लाने वालों का मतलब कि जब तुम ईमान लेकर आओगे, यानी चार काम हो जाएगा। जब तुम ईमान लेकर आओगे, तक्वा इलाही अख्तियार करोगे, अपने लिए वसीला तलाश कर लोगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह कर लोगे, तो क्या होगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओगे, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। इन चार चीज़ों में अल्लाह ने मोमिनीन की कामयाबी को बंद रखा है, और उसमें सबसे अहम यही वसीला है। और ये वसीला जो हमारी हिदायत के लिए है, ये ऐसे है कि जो आलम अनवार में रहा करते थे ना, ये तो नूरी है ना, खाकी नहीं है। आलम अनवार में रहते हुए भी वो चाहते तो आलम अनवार में रहते, लेकिन फर्श खाकी पर आए। ये ज़मीन खाक की, मिट्टी की बनी हुई ये ज़मीन, इस पर आए और आकर ज़हमतों को उठाया, मुश्किलों को बर्दाश्त किया, और उन मुश्किलों को बर्दाश्त अनवार इलाही में रहने वाले, अनवार इलाही से बने हुए नूर इलाही के मज़हर, वो ज़मीन पर आकर खाकी बशर की शक्ल अख्तियार करके मुसीबतें उठा रहे हैं, सऊबतें उठा रहे हैं। किस लिए? ताकि हमें हिदायत मिल जाए, ताकि हमें कामयाबी मिल जाए। लिहाजा परवरदिगार आलम के इन वसीलों की हमें और आपको तलाश होनी चाहिए, और जिस दिन ये वसीला हमें मिल जाएगा, हम और आप कामयाब हो जाएंगे। और इनके हिदायत का अंदाज कुछ इस तरह से होता है कि जब दुनिया इनकी पाकीज़गी को देखती है, तो इनको
इनकी पाकीज़गी को देखकर इन्हें नकी कह के पुकारने लगती है, और जब दुनिया इनकी हिदायत का अंदाज़ देखती है तो दुनिया इनको हादी कह के पुकारने लगती है। हाँ, उन वसीलों में से जो हमें अल्लाह तक पहुँचाएगा, एक वसीला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है कि जिनकी आज विलादत की शब है। अल्लाह हमें इनकी कुर्बात, इनकी विलायत हमें नसीब करे ताकि हम इनके ज़रिए से इनको अपना वसीला बनाकर अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सकें, है ना। हम और आप इनको समझने के लिए आज बैठे हैं, जिनको समझना हम जैसे खाकी बशर के लिए नामुमकिन है। वो नूर के बने हुए, हम खाक के बने हुए, कैसे खाक वाले नूर को समझ लेंगे। लेकिन जितना हम समझ लेंगे उतना हमारी कामयाबी है। लिहाजा सबसे पहले शुरू करते हैं इमाम मासूम के लिए उनकी मादरे गिरामी से। इनकी मादरे गिरामी जो एक बाशरफ खातून थी, और इतनी बाशरफ, इतनी पाकीज़ा किरदार, जिनको हम और आप जनाब समाना खातून कहते हैं, इतनी पाकीज़ा, इतनी बुलंद किरदार के अजम की थी, अरब की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खुदा वंदे करीम ने एक इमाम की जौजा भी बनाया और एक इमाम की माँ भी करार दिया। देखें, अल्लाह हमको ये बताना चाह रहा है कि हम किसी के किरदार को, पाक किरदार को रायगा नहीं जाने देते, हम किसी की नेकी को रायगा नहीं करते, हम उसकी नेकी का बदला ज़रूर देते हैं। और जनाब समाना खातून की नेकी का अज्र ये है कि उनको मासूम इमाम की जौजा भी बनाया गया, मासूम इमाम की माँ भी बनाया गया, और खुदा ने ऐलान ये कर दिया कि अगर पाकीज़ा किरदार है और अहलियत रखती है तो फिर वो चाहे अजम की ही क्यों ना हो, हम उसे इस तरह का अज्र देते हैं। लेकिन अगर अहलियत नहीं रखती है तो फिर वो अरब की ही क्यों ना हो, हम उन्हें पूरी ज़िंदगी तड़पने के बाद भी औलाद नहीं देते। और शायद यही वजह है कि जिस वक्त जनाबे रिसालत मआब हज़रत खदीजतुल कुबरा की जुदाई पर उनके जाने के बाद रोया करते थे, उन्हें याद किया करते थे, तो दूसरी खातून ने आकर, दूसरी बीवी ने आकर नबी करीम से कहा था कि या नबी अल्लाह, कितना याद करते हैं, कितना रोते हैं, जबकि आपके पास उनसे बेहतर बीवियां मौजूद हैं, कमसिन भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन आप बस उन्हीं को याद करके रोया करते हैं। तो जनाबे रिसालत में आपने जवाब दिया था कि तुम क्या जानो कि खदीजा का किरदार क्या था, तुम क्या जानो कि उनकी पाकीज़गी क्या थी। उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की है जब दुनिया मुझे झुठला रही थी। खदीजतुल कुबरा ने उस वक्त मुझ पर ईमान का इजहार किया जब दुनिया ने मुझ पर ईमान लाने से इनकार किया। खदीजा वो थी कि जिन्होंने अपने माल के ज़रिए से मेरी मदद की है ताकि मैं गरीबों को दूं और सुकून से जी सकूं। और तुम क्या जानो कि खदीजा वो हस्ती हैं कि जब दुनिया मुझे ला औलाद होने की वजह से अबतर का ताना दे रही थी, तब वही खदीजा थी कि जिनकी आगोश ने मुझे अबतर के ताने से नजात दी थी। खदीजा की आगोश थी जिससे मुझे जहरा जैसी बेटी मिली। लिहाजा कोई भी खदीजा का मुकाबला नहीं कर सकता। और परवरदिगार आलम ने यह तय कर दिया कि जो किरदार आला रखती हैं खवातीन, हम उनको इसी तरह से अज्र देते हैं जैसे जनाबे समाना खातून को परवरदिगार आलम ने अज्र दिया। और इनको एक ऐसा बेटा जिसे आलम ने हादी कह के पुकारा, ये वही मासूम इमाम है कि जिनको तकरीबन 6 या 7 साल की उम्र में बाबा का गम देखने को मिला, और जब बाबा का गम इन पर जारी हुआ और इतनी कमसिनी में जब इनको इमामत मिली, तो जाहिर सी बात है जब मासूम इमाम को कमसिनी में इमामत मिलती है ना, तो फिर एतराज़ करने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ज़माना एतराज़ करता है कि इतनी कमसिनी में कोई कैसे इमाम बन सकता है, इतनी कमसिनी में इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा कैसे मिल सकता है। ज़माने की अक्ल नहीं मालूम कहाँ है, इसलिए कि ज़माना शायद भूल गया कि हज़रत ईसा गहवारे में थे। और जब लोगों ने सवाल किया था
जनाबे मरियम के लिए, तो जनाबे मरियम ने कहा था मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा बेटा जवाब देगा। हजरत ईसा ने गहवारे से कलाम किया था और कलाम करके क्या कहा था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ कि जिसको अल्लाह ने शरीयत देकर भेजा है, जिसको अल्लाह ने किताब देकर भेजा है। हजरत ईसा ने ये फैसला कर दिया था कि अल्लाह का मनसब हासिल करने के लिए, उसकी किताब और उसकी शरीयत को हासिल करने के लिए सिनों साल की जरूरत नहीं होती, हम गहवारे में रहकर भी अल्लाह के मनसब को हासिल कर लेते हैं। और मासूम इमाम तो वो हैं कि जो आलम अनवार में ही मनसब हासिल कर चुके हैं। लिहाजा जमाना इस बात को समझे कि अगर हजरत ईसा गहवारे में कह रहे हैं कि मैं साहिब शरीयत हूँ, मैं साहिब किताब हूँ, तो फिर ये तो बहरहाल 6 साल के हैं और जमाना देख चुका था कि इनके बाबा के इल्म का क्या आलम था, इनके दादा का इल्म का क्या आलम था। मजे की बात ये है कि इनके जो दादा हैं वो भी अली मदीनतुल इल्म और ये भी अली, जमाना एक अली का मुकाबला कर न सकी और फिर अब ये दूसरे अली का मुकाबला करने के लिए जमाने के लोग खड़े हुए थे। बहरहाल अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात, अली की ज़ात वो है कि जिसके लिए किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि या अली सूरे रहमान के आगे पीछे, कोई क्या समझे कि अली क्या है ना, उसी पर शायर ने कहा कि या अली सूरे रहमान के आगे पीछे, तेरा ही जिक्र है कुरान के आगे पीछे, ढूंढने निकली थी हैदर की फजीलत दुनिया, रह गई बूजरो सलमान के आगे पीछे। जमाना अभी इनके गुलामों को तो समझे तब अली को समझेगा। फिर उसके बाद तारीख ने लिखा कि इनके कमालात इस तरह के थे कि जब जमाने ने इनके कमाल को देखा, इनकी फजीलत को देखा, तो खुद ब खुद उन्होंने सर झुकाया। जिनमें से एक दो का तज़किरा आज करना है। सबसे पहला कि जिस वक्त अबू हाशिम जाफरी, ये लिखता है कि मैंने देखा कि इमाम की खिदमत में कोई एक गुलाम आता है, कोई एक बंदा आता है जो इमाम से बहुत सारी बातें करता है। मैं देख रहा था कि इमाम से उसकी गुफ्तगू हुई, इमाम से उसकी बातें हुई, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जब वो चला गया तो मैंने इमाम से सवाल किया, मौला आप किस जबान में बात कर रहे थे? तो मौला ने जवाब दिया कि मैं हिंदी जबान में बात कर रहा था, क्योंकि वो आने वाला जो था ना वो हिंदुस्तानी था। अबू हाशिम कहता है कि मैंने इमाम से हसरत जाहिर की कि इमाम जी तो मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं और लैंग्वेज को सीखूं, लेकिन उम्र ऐसी हो गई है ना कि अब इस उम्र में मैं शायद सीख नहीं पाऊंगा। बस इमाम से ये कहना था कि मौला ने अबू हाशिम से कहा जरा जमीन से मुझे एक कंकर उठा दो। कंकर उठाया, मौला ने कंकर में अपना लुआबे दहन लगाया और लुआबे दहन लगाकर अबू हाशिम को दिया और देने के बाद कहा इसे अपनी जबान पे रख लो। वो कहता है कि मैंने बस वो लुआबे दहन जो कंकर में लगा हुआ था उसे अपनी जबान पे रखा है, अभी रखा ही था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे 70 लैंग्वेजेस आने लगी है, 70 जबान का मैं माहिर हो गया हूँ और हिंदी जबान तो ऐसे आ रही थी कि बस सुभान अल्लाह। सही जी ये चाहता है कि यहाँ पर रुक कर ये कहूँ कि जिसके लुआबे दहन का ये आलम हो, हाँ, उसकी खुद की जबान का क्या आलम होगा। अगर इमाम के लुआबे दहन को कोई इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, एक पत्थर एक कंकर के जरिए से अपनी जबान पे रख ले तो वो एक लम्हे में 70 जबान का माहिर हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, तो फिर जरा दुनिया उस अलमदार बावफा अबल फजल के इल्म और फजाइल पर गौर तो करे कि जिसने दुनिया में आते ही साथ पहली गजा जो ली है वो इमाम हुसैन के लुआबे दहन को डायरेक्ट लेकर, इसलिए कि अबल फजल ने इमाम हुसैन की जबान को डायरेक्ट चूसा था। अब जमाना फैसला करे कि अबल फजल के इल्म की मंजिलत क्या रही होगी, अबल फजल के इल्म का कमाल क्या रहा होगा। इसीलिए तो पूरी कायनात में हम देखते हैं कि सानिये हैदर की शक्ल में अबल फजल तो मिलते हैं लेकिन सानिये अब्बास हमें कोई नजर नहीं आता। फिर दूसरी जानिब हम देखें कि अगर किसी इमाम के लुआबे दहन का ये आलम है तो फिर उस इमाम मासूम के खून का क्या आलम होगा।
इसीलिए हमने देखा कि जिस जमीन पर इमाम मासूम का खून बहाया गया वो जमीन कयामत तक के लिए खाके शिफा बना दी गई, और ऐसी खाके शिफा जो फकत हुसैन बना सकते थे। ये इमाम हुसैन के खून का असर है कि आज तक कर्बला खाके शिफा बनी हुई है, और खाके शिफा ऐसी कि किसी को लिखना पड़ा कि महफिल नूर में जन्नत की हवा मिलती है। महफिल नूर में जन्नत की हवा मिलती है, हम अजादारों को जहरा की दुआ मिलती है। है असर कितना तेरी खाक में ऐ कर्बला, सारी दुनिया के मरीजों को शिफा मिलती है। और ये वही खाक शिफा है कि जिस दवा की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। हम देखें, जमाना जब भी मेडिसिन बनाता है, जब भी कोई लैब कोई दवा बनाता है, उस पर दो डेट लिखी जाती है। एक डेट उसकी जब वो बनाई जा रही है मैन्युफैक्चर डेट लिखी जाती है, दूसरी डेट उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन के खून में वो असर रखा था कि ता अबद वो खाके शिफा है, वो कभी एक्सपायर नहीं होगी। और इसीलिए कहा गया कि जेरो जबर में जब कभी आई है जिंदगी, जेरो जबर में जब कभी आई है जिंदगी, अब्बास बन के मौत पे छाई है जिंदगी। दुनिया के हर तबीब ने जब दे दिया जवाब, खाके शिफा से हमने बचाई है जिंदगी, खाके शिफा से हमने बचाई है जिंदगी। ये इमाम हुसैन के खून अकदस का असर है, इसलिए ये उनके लुआबे दहन का, ये मासूम इमाम है, इनके लुआबे दहन का ये असर होता है, तो इनके खून पाक का क्या असर होगा ये दुनिया और हम जैसे इंसान नहीं समझ सकते। और अगर इमाम मासूम इमाम हाजी के लुआबे दहन का ये असर है कि एक लम्हे में उसके उनके लुआबे दहन से कोई 70 जबानों का माहिर हो जाता है, तो फिर खुद उनके इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है, फिर उनका इल्म क्या होगा। यही वजह है कि लोग मौला के पास आते गए, सवाल करते गए, मौला जवाब देते गए, जमाना हैरत में आता गया, जमाना हार हार कर उनके दरबार से जाता रहा। और उन्हीं में से एक सवाल जब फतेह बिन खाकान ने किया था, और वो सवाल ये था कि मौला आप ये बताइए कि परवरदिगार आलम बहुत सारे मौके पर कुरान मजीद में कहता है लतीफ़ुन खबीर, लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह के लिए ये जुमला आता है ना बार बार, दुआओं में भी आता है कि वो लतीफ़ुन खबीर है। मौला आप बताइए कि वो लतीफ और खबीर का क्या माना है। मौला ने फरमाया कि लतीफ ऐसी नाजुक और छोटी चीज को कहा जाता है जिसको देख ना सके इंसान, जिसको देखना मुमकिन ना हो, जिसके लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़े देखने के लिए, उसे लतीफ कहते हैं। सही है, बहुत छोटी छोटी चीज। और मौला फरमाते हैं कि देख ले कि अल्लाह को लतीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने ऐसी मखलूक बनाई है कि जिसको इंसान देख नहीं सकता। समंदर की तहों में जा कितनी सारी मखलूक है कि आज तक लोग तलाश कर रहे हैं और रोज एक नई मखलूक सामने आती है। दुनिया में कितनी मखलूक है और बहुत छोटी छोटी सी मखलूक भी बनाई गई है। और खबीर का माना यह है कि उसने बनाने के बाद तन्हा नहीं छोड़ा, उसने बनाने के बाद अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खबीर है, वो खबर रखता है, वो जमीन की तहों के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों की भी खबरगीरी करता है, वो समंदर की तहों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े और दरख्तों की भी खबर रखता है। वो खालिक ऐसा ही है, वो मालिक ऐसा ही है कि फजाओं में उड़ते हुए छोटे छोटे लतीफ मखलूक की भी वो खबर गिरी करता है, उनका रस्क उनको पहुंचाता है। अल्लाह ने अपने किसी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ा, उसने कभी अपने बंदे को, अपनी किसी मखलूक को अकेला नहीं छोड़ा। बस फर्क ये है कि किसी को यकीन होता है कि वो साथ है और किसी को यकीन नहीं होता, जबकि जिसे यकीन हो जाए कि वो मेरे शहरक से भी ज्यादा करीब है, जो मुझे हर वक्त सुन सकता है, फिर उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। और यही वजह है कि अभी हमने आमाल अरफा किया, और आमाल अरफा में इमाम हुसैन की दुआ का वो मशहूर और खूबसूरत जुमला पढ़ा कि परवरदिगार आलम क्या खोया उसने,
जिसने तुझे पा लिया, और क्या पाया उसने जिसने तुझे खो दिया। तुझे खो देने के बाद कौन क्या हासिल कर सकता है, तुझे पा लेने के बाद फिर कोई किसी को क्या फर्क पड़ता है कि क्या चीज उसने खो दिया। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया, सही है। और अल्लाह को तलाश करने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए, उसकी कुर्बत के लिए ये इमाम मासूम, इनकी इनका वसीला होना जरूरी है, इनका दरमियान में होना जरूरी है, वगरना हम डायरेक्ट परवरदिगार आलम तक पहुंच नहीं सकते। और वो खुदा ऐसा है कि जो बार बार अपने बंदों से कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो। अल्लाह चाहता है कि बंदा मांगे, अल्लाह चाहता है कि तलब करे। और बस इतना कहना चाहते हैं कि जब भी अल्लाह को पुकारे, जब भी अल्लाह से मांगे ना, तो उसको मांगने के लिए उसके इस्म का, उसके नामों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। परवरदिगार आलम से कभी कहे या रहमान मुझे दे दे, या रहीम, या करीम, या जुल जलाल वल इकराम, या लतीफ़, या खबीर मुझे दे दे। परवरदिगार आलम से जब हम उसका नाम लेकर मांगते हैं, और अगर हमने सिर्फ ये कह दिया अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे अता कर दे, जब हम लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं ना, ये एक अल्लाह का ऐसा नाम है अल्लाह के, इसमें सारी चीजें आ जाती है, अल्लाह की तमाम सिफात इसमें सिमटी हुई है। इसी वजह से, यही वजह है कि कहा गया कि अगर किसी इंसान को अपनी कोई हाजत कबूल करवानी है, अल्लाह की बारगाह में इंस्टेंट अल्लाह से कुछ मांगना है, तो वो फौरन वजू करे, मुसल्ले पे बैठे, कुरान की 100 आयतें पढ़े, और 100 आयत पढ़ने के बाद सिर्फ 10 बार कहे या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह, और फिर मांगे, उसी वक्त परवरदिगार आलम दे देता है। यहाँ तक ये कहा गया कि अगर कोई 100 आयत कुरान की पढ़े और 10 मरतबा या अल्लाह कहे, और उसके बाद पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से हट जाओ, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, वो ताकत पैदा होती है। और कहा गया कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 100 आयत पढ़े, 50 पढ़े, किसी को पास 50 पढ़ने की का टाइम नहीं है, 10 पढ़े, कोई 10 भी नहीं पढ़ सकता, तो सिर्फ 10 मरतबा या अल्लाह कहे और अपनी हाजतों को मांगे, परवरदिगार आलम उसकी दुआओं को कबूल करता है। बहरहाल पलट कराइए कि मौला ने कैसे समझाया कि वो कैसा लतीफ और कैसा खबीर है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि हर बंदे की खबरगीरी करता है और उसे पसंद करता है। और अल्लाह को ये भी पसंद है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में बार बार आए, मुझसे बार बार मांगे, और मैं उसको बार बार तलब अता करता रहूं। और इसी वजह से जब इमाम इस तरह से जवाब देते रहे, देखें अल्लाह ने भी एक निज़ाम बनाया था और खुदा भी ये कह रहा था, ठीक है ना, तुम सवाल करने के लिए दरबार सजाते हो, सजाओ, तुम सवाल करो, हम जवाब दिलवाएंगे, और जवाब भी हम ऐसा दिलवाएंगे ना कि दरबार तुम्हारा होगा, कसीदे इनके पढ़े जाएंगे। खुदा का हमेशा से ये मिजाज रहा है, अल्लाह का हमेशा से ये कानून रहा है कि दरबार फिरौन का होता था, कसीदे मूसा के पढ़े जाते थे, ऐसा ही है ना। और परवरदिगार आलम ने, हमने देखा अइम्मा की जिंदगी में भी कि दरबार हाकिमों का होता था, लेकिन कसीदे विलायत के पढ़े गए हैं। इसी तरह मुतवक्किल के दरबार में भी दरबार मुतवक्किल सजाता था, सवाल करने वाले को मुतवक्किल बुलवाता था, लेकिन कसीदे इमाम के पढ़े जाते थे, इसलिए कि जब इमाम जवाब देते थे तो उनके जवाब के सामने सारे के सारे लाजवाब हो जाते थे, और जब मौला सवाल करते थे तो मौला के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुनाजरे हैं जो इमाम ने मुतवक्किल के दरबार में किया, और मुतवक्किल के जाने के बाद जब दूसरा हाकिम आया है तो दूसरे हाकिम ने भी, वासिफ बिल्ला जिसका नाम था, उसने भी इमाम के लिए बहुत सारे लोगों को बुलवाया था, अपने दौर के बड़े बड़े उलमा को, कि हाँ हाँ आओ इनसे सवाल करो ताकि ये जवाब ना दे पाए तो लोगों की निगाह में इनकी इज्जत कम हो जाए। लेकिन हर एक के जवाब को मौला ने बहुत खूबसूरती से दिया था, जैसे कि एक सवाल मौला से ये किया गया था, याह्या इब्ने अक्सम ने जब किया था कि अच्छा आप ये बताइए कि क्यों हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ को सजदा किया था,
क्या ऐसा एक बाप के लिए जेब देता है, क्या एक बाप के लिए ये जायज है कि वो बेटे का सजदा करे? तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराकर मौला ने जवाब दिया, तुम समझे ही नहीं हो। हजरत याकूब का सजदा बिल्कुल वैसा ही सजदा था जैसे मलाइका ने आदम के लिए किया था। वो सजदा आदम का नहीं था, हुक्म इलाही का था, अल्लाह के हुक्म पे सजदा किया था। और हजरत याकूब ने जो सजदा किया है वो सजदा यूसुफ का नहीं था, बल्कि एक अरसे के बाद यूसुफ के दीदार के मिल जाने के बाद, यूसुफ की मुलाकात के बाद उन्होंने जो सजदा किया वो सजदा शुक्र था, वो अल्लाह के लिए था। तुम ये समझ रहे हो नादानों कि उन्होंने बेटे का सजदा किया, ऐसा नहीं है। और फिर बेशुमार सवाल वो सवाल करता गया, इमाम जवाब लिखवाते गए। और फिर उसके बाद जब वासिक का दौर आया तो उसके दौर में भी मजमे को जमा किया गया, लोगों को बुलाया गया, और लोगों को बुलाने के बाद फिर एक आलिम को बुलाया गया कि इनसे सवाल करो। और फिर जब मौला से सवाल किया गया, और सबसे पहला सवाल ये था मौला की बारगाह में कि मौला ये बताइए कि जब हजरत आदम ने हज किया था तो उनके हज करने के टाइम पर उनके बाल किसने काटे थे, क्योंकि कोई तो नहीं था ना। अच्छा, अभी तो उम्मत ये समझ रही थी कि पता नहीं हजरत आदम ने हज किया भी है या नहीं किया है ना। वो उस दौर में कहां हजरत आदम, कहां मक्का, कहां काबा, किसे पता था। सवाल ये है कि सर के बाल किसने काटे थे। मौला फिर यहां पर जवाब देते हैं, बस इतनी सी बात है, हजरत आदम ने जब हज किया है, मौला ने जवाब दिया, तो उनके बाल हजरत जिब्राइल ने काटे थे। और बाल काटने के भी जो सामान आए थे वो सारे के सारे जन्नत से आए थे। जमाना सवाल करेगा, अच्छा ये बात इमाम को कैसे मालूम, इमाम हादी को कैसे मालूम कि ये बाल काटने के लिए जिब्राइल आए थे और जन्नत के सामान को लेकर आए थे, जब जन्नत का सब कुछ था जिससे बाल काटा गया, तो इमाम को कैसे मालूम। अक्ल के अंधों, आजम और आइमा में फर्क है, और फर्क ये है कि आदम बाद में आए हैं, आइमा पहले पैदा कर दिए गए हैं, आलम अनवार में उनको अल्लाह ने पहले ही खल्क कर दिया था। और ये वही बता सकता है कि जिब्राइल आए और जन्नत के सामान को लेकर आए जो आलम अनवार से सारे नज़ारे को देख रहा था। इमाम हादी वो सारा मंजर देख रहे थे जब हजरत जिब्राइल सारा सामान लेकर आए थे और जमीन पर बाल काटा था, ये सब इमाम मासूम ने देखा था। इसलिए कि आदम से हजारों साल पहले इनके अनवार को अल्लाह खल्क कर चुका था। और यही वजह है कि हम सब जानते हैं, हमने बार बार सुना है कि जब आदम हजरत आदम को खल्क किया गया तो हजरत आदम ने अर्श इलाही पे देखा, नूर चमक रहे थे, और जब चमकते हुए अनवार को, सितारों को देखा तो पूछा अल्लाह ये कौन है, तो अल्लाह ने हर एक का तारुफ करवाया था, ये 14 मोहम्मद है, इसमें से पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, ये सब के सब मोहम्मद है। और जब इनकी तौबा को कबूल करवाने की बात आई तो फिर वही अनवार खमसा थे, वही 5 नूर थे उन 14 में से कि जिनके जरिए से हजरत आदम ने अपनी तौबा को कबूल करवाया था। ये जमाना जिनको मारिफत अहले बैत ना हो वो इसी तरह जमाने के लिए या आइम्मा के लिए, उनकी विलायत के लिए बातें करता है, उन पर एतराज़ करता है। और हम तो ऐसे दीवाने हैं, हम तो ऐसे आशिक हैं अहले बैत के कि हमने ये जान लिया है कि दुनिया की मुश्किलात भी इन्हीं से, इन्हीं के वसीले से ख़त्म होती है, और आखिरत की नजात भी इन्हीं के वसीले से हमें और आपको मिलेगी। और यही वो हस्तियां हैं, यही वो ज़ात हैं कि जो हमें पुले सिरात से भी आसानी से ले जाएंगे, जो हमें जामे कौसर भी पिलाएंगे, जो हमें जन्नत के बागों में भी ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और वो ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी मोहब्बत की वजह से जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। हम सब जानते हैं ना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे आला जो दरवाज़ा है, जो आला तबका है जन्नत का, स्टेज आप कह लें जिसको, तो वो जन्नतुल फिरदौस है। और जन्नतुल फिरदौस में जो रहेंगे वो आइम्मा रहेंगे।
और आइम्मा की जन्नत के बाद फिर मोमिनीन की जन्नत, फिर मुत्तकीन की जन्नत, फिर शोहदा की जन्नत, ये पूरे आठ दरवाजे हैं ना, आठ तबके हैं और आठ दरवाजे हैं जन्नत के। इसी तरह जहन्नम के सात दरवाजे और सात तबके हैं। जो जहन्नम का जो दर्जा है वो नीचे की तरफ जाता है, जन्नत का तो जो दर्जा है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए जन्नत के स्टेज को, जो तबकात है उसको दर्जात कहा जाता है, और जो जहन्नम निचली हिस्से में जाता है, जो जहन्नम का नीचे की तरफ जाना होता है उसको दरकात कहते हैं, नीचे की तरफ जाना, नीचे की जानिब जाना। और सबसे निचली जो दोजख है उसी को जहन्नम कहा जाता है, उसी में फिर वो नारे सकर भी है और सिज्जीन भी है, वो गढ़े भी हैं जिसमें डाला जाएगा। बहरहाल लेकिन जो अहले बैत की विला वाले होंगे, जिनके पास अहले बैत की मोहब्बत होगी, उनको परवरदिगार आलम जन्नत के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा जिस दरवाजे से तुम्हें जाना है प्लीज प्रोसीड, आप जा सकते हैं, आपको जिस दरवाजे से दाखिल होना है आप दाखिल हो सकते हैं। और जहन्नम के सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे। एक तो विलायत है। चले आखिर में दो तीन बातें इस पर भी कर लें कि वो कौन सा काम है जिसके करने से जन्नत के दरवाजे हमारे लिए आसानी से खुल जाएंगे। हम सब चाहते हैं ना कि जहन्नम के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएं और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएं। तो एक दो तीन काम आपको याद दिला दें ताकि आप उसे करना शुरू करें और मैं भी करूं साथ में, इंशाल्लाह हमें भी तौफीक मिले ताकि जहन्नम के दरवाजों को बंद करके हम अपने लिए जन्नत के दरवाजों को खोल सकें। एक तो विलायत है, सही। उसके बाद कहा गया तौहीद, तौहीद बार बार तौहीद का इजहार करना, इकरार करना। और इसीलिए कहा गया कि अगर कोई इंसान 24 घंटे में रोजाना 100 मर्तबा एक जुमला पढ़े, और वो जुमला ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, अगर रोजाना 100 मर्तबा ये पढ़ लेता है कोई इंसान तो उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और फिर कहा गया कि मुस्तहब नमाजें, जो मुस्तहब नमाजों को बहुत अहमियत देता है, और उसके लिए ये भी कहा गया कि अगर कोई इंसान कंटिन्यू 3 दिन तक नमाज शब जैसे पढ़ने का हक है वैसे अगर पढ़ ले तो मलाइका उस इंसान को देखकर उसे हसरत से देखते हैं और फख्र करते हैं कि वाह अल्लाह ने इसे क्या दिया है, और उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। फिर कहा गया रोजा, वो भी माह रजब का, अगर कोई माह रजब में 7 रोजे रख ले तो जहन्नम के जो 7 दरवाजे हैं वो सारे के सारे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। और अगर वो 8 रोजा, एक और रोजा रख ले तो फिर वो इस एक रोजे की वजह से अल्लाह जन्नत के पूरे 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है, सुभान अल्लाह। उसके बाद ये कहा गया कि अगर कोई इंसान हलाल कमाता है, हलाल कमाकर हलाल अपने बच्चों को खिलाता है तो उसके लिए भी परवरदिगार आलम जन्नत के दरवाजों को खोलेगा और जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। आखिर में ये कहा गया कि अगर कोई इंसान, कितना आसान है ना जन्नत के दरवाजों को अपने लिए खुलवाना, परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम ये छोटे छोटे से अमल कर सकें, अपनी जिंदगी में इसको अमल में ला सकें। आखिर में कहा गया कि अगर कोई इंसान हर जुमा को असर के टाइम पर 100 मर्तबा सलवात पढ़ ले, जो गालिबन हमारा पढ़ते हैं, तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और जहन्नम का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। परवरदिगार आलम से हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें जन्नत वालों में करार देना, हमें जहन्नम वालों में करार न देना। माबूद हकीकी, हमने इमामत को पहचाना है, हमने विलायत का इकरार किया है। हाँ हम खताकार हैं, हम गुनाहकार हैं, मगर हम विलायत के आशिक हैं, हम विलायत के इकरार करने वाले हैं। और परवरदिगार आलम तुझे तेरे इमाम हादी के उस फजीलत का वास्ता, उस फजाइल खुसूसी का वास्ता कि जब जमाने वालों ने देखा था कि एक इनके ही दौर में, इमाम हादी के दौर में, जब एक खातून ने ये कहना शुरू किया कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, तो लोगों ने आकर इमाम से कहा कि ये ज़ैनब बिनते अली होने का दावा कर रही है, आप बनी हाशिम के हैं, आप बता सकते हैं कि वो ज़ैनब बिनते अली है या नहीं है, यानी इमाम मासूम की बेटी अपने आप को बता रही है वो।
तो मौला ने कहा कि एक तरीका है और वो ये कि हम जो बनी हाशिम है इनके ऊपर परवरदिगार आलम ने जो है एक कमाल रखा है, और वो कमाल ये है कि दरिंदे कभी इनको हाथ नहीं लगाते, दरिंदे कभी इनको इन पर हमला नहीं करते। तो एक काम करो ना, इसके ऊपर इसको एक जगह पर बंद कमरे में रख कर, एक पिंजरे में रख कर दरिंदों को छोड़ दो, शेरों को छोड़ दो, या जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर उसको छोड़ दो। अगर ये बनी हाशिम की होगी तो इसको कोई भी दरिंदा टच नहीं करेगा। और जब लोगों ने ये सुना कि हाँ ऐसा करना है, तो उसके वो खातून के पास भी खबर गई कि अल्लाह ऐसा करने के लिए कहा जा रहा। फौरन तौबा किया और तौबा करने के बाद उसने कहा अल्लाह मैं झूठ बोल रही थी, मैं नहीं हूँ ज़ैनब बिनत अली, सही फैसला हो गया। अच्छा, जब ये बात हो गई तो फिर लोगों ने क्या बादशाह को क्या सलाह दी कि एक काम करो ना, कि जब ये खुद कह रहे हैं कि बनी हाशिम के लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर दरिंदे हमला नहीं करते, तो हम लोग इन्हीं पर आजमा लेते हैं ना कि ये बनी हाशिम के सच्चे औलाद है या नहीं है ना, हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं। और ये तय पाया और उसके बाद इमाम को एक पिंजरे में रखा गया और उस पर दरिंदों को छोड़ दिया गया ये देखने के लिए कि इमाम पर ये हमला करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ही बताया है कि अगर बनी हाशिम के होंगे तो हमला नहीं होगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोगों ने देखा कि जानवर दरिंदे जो इंसानों को ज़िबा कर देते हैं, खा लेते हैं उनको, उनके खून बहा देते हैं, वो सारे दरिंदे इमाम के पैरों पे सजदा रेज हैं, सर झुकाए हुए इमाम के सर पे अपने, इमाम के पैरों पे अपना सर रखे हुए, खाक पर हार मानी हुई चिड़िया की तरह बैठे हुए हैं, और इमाम उनके सर पे मोहब्बत का हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हैरत से देख रहे थे कि ये वही जानवर है जो इंसान को मार डालते हैं, और ये जानवर इनके पास बैठे हुए इनके पैरों पे सजदा कर रहे हैं, इमाम उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं। बस यहाँ पर एक बात ये कहनी है कि इन जानवरों ने ये पैगाम दिया है कि हम जानवर होकर भी इनकी मारिफत रखते हैं, हम जानवर होकर भी इनको पहचानते हैं, वाय होगा तुम पर अगर तुम इंसान होकर इनको ना पहचानो, अफसोस होगा तुम पर अगर तुम इंसान होकर अक्ल रखते हुए इनकी मारिफत को पीछे छोड़ दो, इनको ना पहचानो और इनके दामन को छोड़ दो, लिहाजा इन्हें पहचानो कि यही वसीला है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगा, और यही वो है जिनके जरिए से जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदा हमें इमाम जमान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की हकीकी मारिफत से माला माल फरमाए इंशाअल्लाह। और हमारा ये छोटा सा जश्न परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल करे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम बेहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा इस जश्न को कबूलियत का शरफ इनायत फरमा, हमारे इस जश्न को हमारी शफ़ात का ज़रिया करार देना। माबूद हकीकी तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तमाम ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा, मज़लूमों की हिमायत फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी लोग इस जश्न में शरीक हुए हैं उनको दुनिया और आखरत की तमाम दौलतें नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हर एक बहन की मुश्किल को आसान फरमा। माबूद हकीकी अव्वल आखिर की दुआ है ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم. परवरदिगार आलम सूरह फातिहा सूरह इखलास और इस जश्न का नजराना चाहदा मासूमीन बारह इमाम बने तले पाक शहीदाने कर्बला असीराने कर्बला वेतिमान कर्बला खसूसन इमाम हादी की बारगाह अर्ज़ में हलिया करते हैं इसके तुफैल में जो भी सवाब हो। जुमला मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात तमाम उलमा तमाम शहदा तमाम मुज्तहिदीन और खसूसन बानिए
महफिल के तमाम मरहूमीन के अरवाह को बख्श दें। परवरदिगार आलम मरहूमीन के गुनाह कबीरा सगैरह को माफ़ फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा, मरहूमीन को जवार हुसैन में जगह इनायत फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا هما صلي على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں جو دامہ سومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں پروردگار اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم۔ زيارة الإمام الهادي النقي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الأنوار، السلام عليك يا زين الأبرار، السلام عليك يا سليل الأخيار، السلام عليك يا عنصر الأطهار، السلام عليك يا حجة الرحمن، السلام عليك يا ركن الإيمان، السلام عليك يا مولى المؤمنين، السلام عليك يا ولي الصالحين، السلام عليك يا علم الهدى،
السلام عليك يا حليف التقى، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك أيها الأمين الوفي، السلام عليك أيها العلم الرضي، السلام عليك أيها الزاهد التقي، السلام عليك أيها الحجة على خلق أجمعين، السلام عليك أيها التالي للقرآن، السلام عليك أيها المبين للحلال من الحرام، السلام عليك أيها السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك أيها الطريق الواضح، السلام عليك أيها النجم اللائح، أشهد يا مولاي يا أبا الحسن أنك حجة الله على خلقه وخليفته في بريته وأمينه في بلاده وشاهده على عباده، وأشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، وأشهد أنك المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب والمختص بكرامة الله والمحبو بحجة الله والموهوب له لكلمة الله والركن الذي يلجأ إليه العباد وتحيا به البلاد، وأشهد يا مولاي أني بك وبآبائك وأبنائك موقن مقر ولكم تابع في ذاتي نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي ومنقلبي ومثواي، وأني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم وأول وآخركم، بأبي أنت وأمي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على حجتك الوفي ووليك الزكي وأمينك المرتضى وصفيك الهادي وصراطك المستقيم والجادة العظمى والطريقة الوسطى، نور قلوب المؤمنين وولي المتقين وصاحب المخلصين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على علي بن محمد الراشد المعصوم من الزلال والطاهر من الخلال والمنقطع إليك بالأمال، المبلو بالفتن والمختبر بالمحن والممتحن بحسن البلوى وصبر الشكوى، مرشد عبادك وبركة بلادك ومحل رحمتك ومستودع حكمتك، والقائد إلى جنتك العالم في بريتك، والهادي في خلقتك الذي ارتضيته وانتجبته واخترته لمقام رسولك في أمته وألزمته حفظ شريعته، فاستقل بإعباء الوصية ناهضا بها ومصطلعا بحملها، لم يعثر في مشكل ولا هفا في معضل، بل كشف الغمة وسد الفرجة ودى المفترض. اللهم فكما قررت ناظر نبيك به فرقه درجته
واجزل لديك مثوبته وصل عليه وبلغه منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو فضل عظيم. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته.